का 9वें दिन भी हमला जारी, कई देशों का रूस के खिलाफ कड़ा रुख। पीएम मोदी की यूक्रेन संकट पर 5वीं बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बिगड़े बोल, मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे ने दिया विवादित बयान, विवादित बयान देने पर एफआईआर दर्ज। भागलपुर में 3 मंजिला इमारत में ब्लास्ट, आग की हुई मौत, मलबे से निकाले गए 2 महिलाओं के शव। लक्सर में राशन डीलर के घर पर छापा, मामले की की गई कार्रवाई, कार्रवाई से राशन डीलरों में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। यूक्रेन पर 9वें दिन भी रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं पर सुबह न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी, हालांकि उसे बुझा लिया गया। इसके बाद आईएईए समेत दुनिया भर के देशों ने रूस के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो वहीं ब्रिटेन ने यूएनएससी की आपात बैठक भी बुलाई है। तो रूस का 9वें दिन भी लगातार हमला जारी है और यह युद्ध लगातार भीषण स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है। तबाही का मंजर है, खौफनाक तस्वीरें हैं। वहीं भारत भी लगातार अपने छात्रों को वापस बुलाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। वहीं यूपी चुनाव में विवादित बयानों का दौर जारी है। अब मऊ में मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे ने विवादित बयान दिया। उनकी तरफ से अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कहा गया कि पहले सबका हिसाब किताब होगा, फिर आगे की बातचीत की जाएगी। दरअसल मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब्बास अंसारी ने एक जनसभा के दौरान मन से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उत्तेजित भाषण दिया है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। नगर क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान भी उनके द्वारा उसी तरह का भाषण दिया गया। उस भाषण की वजह से उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और चुनाव आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। तो मऊ का ये पूरा मामला है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे ने विवादित बयान दिया और कहा कि सबका हिसाब किताब दिया जाएगा। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 च और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सभी टिकट पर मुहर लगाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ मऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, इस तरह का भाषण जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, जो भी हिसाब किताब होगा 6 महीने यही होगा, क्या तात्पर्य है इससे? जी, आपको हम बता दें कि जो पूरा मामला है मऊ सदर विधानसभा जो है अब्बास अंसारी का है, जिन्होंने कुछ दिन पहले एक मंच से उन्होंने अखिलेश यादव से ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव से मैं कह गया हूँ 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक विवादित बयान है, जो और भी न जाने कई बयान इन्होंने दिए होंगे लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं या कुछ या समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को, जो वायरल हुआ है। लेकिन ये जो वायरल हो रहा है इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार ने इसको संज्ञान में ले लिया है और एसपी ने एफआईआर भी दर्ज किया है। जी, ये वीडियो कितने दिन पुराना बताया जा रहा है आसिफ? काफी आपको बता दें कि ये वीडियो लगभग 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले पुराना जो है, और जनरल बता दूं कि लगभग बताया जा रहा है कि ये चांद पूरा साइड के एक एरिया है, एक मोहल्ला है आसिफ। और मऊ में जो चुनाव होने हैं वो 7वें चरण में होने हैं। जी, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, प्रशासन कितना अलर्ट है? क्योंकि इस तरह की अगर बयानबाजी कर सकते हैं तो
उम्मीद है, आशंका है कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं जो सही नहीं है समाज के लिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल काजोल, काजोल हम आपको बता दें कि लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है, चप्पे चप्पे से प्रशासन जो है वो लगा हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पे प्रशासन जो है कड़ी नजर रखे हुए है। शायद यही वजह है कि आज मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे का ये जो बयान है उस पर FIR दर्ज हुई है। जी तो ये तो सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं, वीडियो में सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले हिसाब किताब होगा, किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब क्या? जी काजोल जो उनको कहने की जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से अक्सर ये इसके पहले जो है पहली बार जब ये मीडिया से मुखातिब हुए थे, शायद इनका उस पर भी रोल जो है बहुत कड़ा था, उल्टे मीडिया से ही सवाल करते थे, फिर उसके बाद जो है अब लगातार जितने मंच से है वो मंच से भी कुछ ऐसे विवादित बयान जैसे कि ये वायरल हो गया, वायरल हुआ है, तो हिसाब किताब ये लेना चाहते हैं अखिलेश यादव से। ये कह के आए हैं इन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से जिस लाइन में जो बोला है उससे तो कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी। सुभाषपा के नेता, बड़बोले नेता कहाँ है इस वक्त? समाजवादी पार्टी का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है इस पर? जी आपको बता दें कि आज मऊ में अखिलेश यादव का आगमन है और अभी अखिलेश यादव जो है स्टेज पर से वही बयान दे रहे हैं, वहीं के अब्बास अंसारी भी जो है, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, लगातार सारे नेता जो है वहां पे मौजूद है, भीड़ काफी है, लेकिन जो अब्बास अंसारी के जो बयान है इस मामले को लेकर के देखना होगा कि अब जो है अखिलेश यादव क्या बोलते हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियो भी आपने सुना है किस तरह से मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं और यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अभी 6 महीने अगर सरकार आती है तो किसी का हिसाब किताब सबका होगा, किसी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये समाज के लिए कितना खतरनाक है कि सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है। ऐसे में FIR दर्ज हो चुकी है, आगे देखना होगा किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। वहीं रुद्रप्रयाग में फायर सीजन के दौरान धधकते जंगलों के कारण वन संपदा को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है, इसके साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है, प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख जाते हैं। ऐसे में वन प्रभाग ने जंगलों को आग से बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए वनों को आग से बचाया जाएगा। वनाग्नि नियंत्रण के लिए तकनीकी का प्रयोग करने वाला रुद्रप्रयाग वन प्रभाग प्रदेश में पहला प्रभाग है। ऐप को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से भी लिंक किया गया है। प्रभाग की सभी 7 रेंजों की गूगल मैपिंग करने के साथ ही वन कर्मियों के मोबाइल भी ऐप से जोड़े जा रहे हैं। तो ये तैयारियां कर लेंगे। देखिए जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसको कैसे रोका जाए इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वन विभाग करता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐप बनाया गया है, इस ऐप के माध्यम से ये पता चल सकेगा कि कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ सर्वे किया जाएगा कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सूखे पेड़ हैं, जहाँ पर आग लगने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। फायर के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों के द्वारा पिछले वर्ष फॉरेस्ट फायर रुद्रप्रयाग ऐप का निर्माण किया गया था और इस साल उसी ऐप को और उसी सिस्टम को हमारे द्वारा थोड़ा अपग्रेड किया गया है और व्यापक स्तर पर गांव में गोष्ठियां की जा रही हैं हमारे संबंधित फील्ड स्टाफ द्वारा और ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में ऐप को जो है इंस्टॉल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से अगर कहीं भी अग्नि लगती है या घटना होती है तो जियो टैग फोटो खींचकर कोई भी नागरिक जो है उसकी सूचना सीधे हमारे मास्टर कंट्रोल रूम को भेज सकता है। हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में जो फायर सीजन में हमारे द्वारा जो सचल अग्नि दस्ते बनाए गए हैं उनकी जो है लोकेशन ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, तो वाहनों की ट्रैकिंग हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में की जा रही है। तो इस सिस्टम के आने से हमारा जो रिस्पांस टाइम है अग्नि की सूचना मिलने से लेके और अग्नि पे जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस होता है जो टीम पहुंची है वो कम होने की जो है वो संभावना है। बिहार के भागलपुर में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक 3 मंजिला इमारत में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पड़ोसियों का आरोप है कि मकान में बम बनाए जाते थे। भागलपुर के तातरपुर
पुलिस थाना क्षेत्र में ये धमाका हुआ। इस घटना में 2 से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ है वो कोतवाली से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। आशंका जताई जा रही है कि बम विस्फोट की वजह से धमाका हुआ। धमाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई है। घटना के बाद मौके पर पुलिस के अफसर भी पहुंच गए। जमींदोज हुए मकानों के मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तो बिहार के भागलपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में स्टोन क्रशरों के मालिकों की तरफ से अवैध रूप से उपखनिज निकालकर लाखों रुपयों का गमन करने का मामला सामने आया है, जिस पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों समेत किसान संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, ग्रामीणों का हल्ला बोल लगातार जारी है। लगातार स्टोन क्रश मालिकों के खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। और गुलजारपुर में इतना मंदी हालत है बहुत ज़्यादा। अब बच्चे, जैसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूलों से जाते हैं, सिंगल रोड है हमारा महादेव नगर से लेकर के गुलजारपुर तक एक सिंगल रोड है। वहाँ पर 10 टायरे ट्रक निकलते हैं माल के ओवरलोडिंग, और पूरा दिन वो चलते हैं। हमारी ये मांग है कि जो क्रेशर हैं, क्रेशरों के ऊपर ये सर जाए, वहाँ पर SDM साहब हमारे पहुँचे, उसकी जांच की जाए। अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मामला ये है कि वहाँ पर कुछ क्रेशर्स द्वारा 100-100 फीट गड्ढे दर्जनों एकड़ों में गहरे कर दिए, और वहाँ पर पानी जो है 10-12 स्क्वायर फीट पे आ जाता है। इन्होंने ये जुड़का कुंडेश्वरी इतनी बड़ी मोटर है कि सामान्य मोटरें 5 और वो एक मोटर, वहाँ पर 340 मोटरें लगाकर एक जाने ने इतना पानी निकाला वहाँ से। आगे पानी गया, उससे हमारी गेहूँ खराब हुई। वो तो हुआ, उसके साथ साथ के जो गांव थे वहाँ पर नलों का पानी सूख गया, क्योंकि वहाँ पर 30-35-40 फुट पे नल लगे होते हैं। बोरिंगों का पानी सूख गया वहाँ पर। 6 दिन से वहाँ पर बैठे हुए थे जुड़का में धरने पर। आज हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। मांग सिर्फ हमारी इतनी है कि भाई जो गड्ढे हैं उन्हें RBM से आप पूरा करवा दो, और आगे से काम बंद करवा दो जिनके नल और फसल का। ये आप जाओगे तो आपको कोरबेट जैसा पहाड़ दिख जाएगा उधर 3-4 स्टोन के शो पे कुंडेश्वरी क्षेत्र के, तो आप खुद समझ जाओगे। और गड्ढे इतने गहरे हैं दर्जनों एकड़ों में, आप खुद जाके हैरान हो जाओगे। अगर उसमें कोई रात बारात में गिर गया तो आदमी का पता लगने का नहीं है भाई साहब। ऐसे ही इन्होंने वो छोड़ देता है वो, तो ये दिक्कतें हैं वहाँ पर बैठे लोग प्रभावित हो रहे हैं। आसपास के लोग, हमारी जो लोग वहाँ पर 30-30 फुट पे बोरिंग करवा लेते हैं, मोटरें ऊपर रखी होती हैं, इससे सिंचाई करते हैं, उनकी मोटरों का पानी सूख गया है। अभी ये फरवरी का महीना है, मई जून में जाकर वो मोटरें पानी नहीं होंगी। 100-100 फीट गहरे ने क्या नाम है बोरिंग करवाने पड़ेंगे। नुकसान हमारे किसानों का है, हमारी फसल प्रभावित हो रही है, उसे लेकर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन ये अधिकारी और शासन प्रशासन के लोग पता नहीं, समझ नहीं लग रही किस दबाव में है, वहाँ पर देखना ही नहीं चाह रहे। यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग आए हुए हैं, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। बहरहाल ये इस मांगों को लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा। सितारगंज में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा के नव निर्मित भवन परिसर में परमपिता शिव के 86वें अवतरण दिवस का झंडारोहण कर कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। वहीं कार्यक्रम में बताया गया है कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री की तरफ से 20 जनवरी को ब्रह्मकुमारी के साथ मिलकर अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत तक के अभियान का अंग बताया जा रहा है। विद्यालय की ये स्थानीय शाखा सितारगंज में अभी अभी इस्टैब्लिश हुई है, और अभी तक हमने यहाँ पर कोई प्रोग्राम बड़ा नहीं किया था जिसमें आप जैसे लोग यहाँ पे आए। और आज इसी में नए घर में झंडा रोहण के लिए, शिव बाबा का झंडा रोहण करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और हम जन जन को, पूरे सितारगंज को, पूरे भारत को, पूरे एशिया को, पूरे विश्व को परमपिता परमात्मा शिव के बारे में बताना चाहते हैं कि वो निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं, ज्ञान के सागर हैं, हमारे परम पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम उनसे 24 नहीं, 30 नहीं, पूरे 84 जन्मों का जन्मसिद्ध अधिकार लें। परम पिता ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं।
लक्सर के खानपुर में राशन डीलर के खिलाफ लंबे समय से लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता ने राशन डीलर की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सस्ते गल्ले की दुकान बंद पाई गई। मिली सूचना के आधार पर राशन डीलर के घर पर छापा मारा गया तो भारी मात्रा में सस्ते गल्ले का राशन डीलर के घर पाया गया। लक्सर एसडीएम ने राशन डीलर के खिलाफ मिली शिकायत सही पाए जाने के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। खानपुर में राशन वितरण को लेकर अनियमितता को लेकर काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो आज इस संबंध में यहाँ पर राशन की दुकान की जांच की गई। तो मौके पर जो राशन की दुकान है उस पर ताला लगा हुआ पाया गया। यहाँ पर जांच करने पर पाया कि जो संबंधित राशन डीलर है उनके द्वारा दुकान पर राशन का वितरण न कर अपने घर पर ही यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में राशन गेहूँ चावल स्टॉक किया गया है। तो उसी संबंध में अब यहाँ पर लोगों के बयान दिए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जा रही है और इसकी रिपोर्ट बनाकर संबंधित राशन डीलर के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से सटे कलजीखाल ब्लॉक में एक परिवार के साथ गांव के प्रधान और उनके साथी की तरफ से मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया है कि पिछले साल उनकी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मामले को दबाने के लिए प्रधान और उसके साथियों की तरफ से उसके साथ मारपिटाई की गई। पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि वो अपने घरेलू काम से कलजीखाल गए थे जहां पर दबंगों की तरफ से उनके साथ धक्का मुक्की और मारपिटाई की गई है। वहीं पूरे मामले में डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की तरफ से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलजीखाल के मनियार सुपट्टी के बेड़ गांव जो ग्राम है इसके ग्राम प्रधान और साथ में कुछ ग्रामीण व्यक्ति और एक परिवार उसी गांव के अंदर निवास करने वाले उनको अपने परिवार के साथ में आए हैं। आपस में उनका कुछ मारपीट हुआ था तो उसमें उनका मेडिकल करवाया गया है। दोनों पक्षों से बात किया गया है, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों पक्षों के द्वारा वादी के रूप में तहरीर भी दिया गया है थानों के ऊपर। तो वह FIR दर्ज करने का निर्देश मैंने दिया है और इस घटना का जांच करने के लिए अभी संबंधित तहसील के जो नायब तहसीलदार होंगे उनको हम नामित करेंगे और घटना की जांच होने तक दोनों पक्षों से अनुरोध किया है कि इसके बाद में कोई विवाद ना किया जाए, शांतिपूर्वक माहौल जो है ग्राम सभा में बनाया जाए और दोनों परिवार जो है अगर इस घटना के बाद में अगर कोई घटना होती तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, उसके लिए उनसे एक FIR भी दर्ज करवा रहे हैं और दोनों पक्षों को जो है अभी अनुबंध पत्र के सापेक्ष जो है बॉन्ड भी उनका भरवाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो और वहाँ पे जो पटवारी होगी उनको सतर्क रखा जाएगा कि दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे जब तक कि घटना की जांच पूरी नहीं। हरिद्वार की बहादुराबाद वन चौकी पर तैनात वन दरोगा नंद किशोर पांडे का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में नंद किशोर पांडे किसी लड़की कारोबारी से पेड़ काटने के बदले में जुर्माने के नाम पर 20,000 की रिश्वत की मांग करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ऑडियो में गालियां भी दे रहे हैं। हालांकि ऑडियो पिछले महीनों का बताया जा रहा है लेकिन एक बार फिर इसी वन दरोगा का नया मामला सामने आया है। हरिद्वार DFO का कहना है कि शिकायतकर्ता के आधार पर संबंधित दारोगा की जांच के लिए वन अधिकारी हरिद्वार को निर्देश दे दिए गए हैं। आरोप सही साबित होता है तो संबंधित दारोगा पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। ले गया है, इसमें सैंडी डंडा भरा हुआ था। महंत जी यहाँ जो खड़ा है, निर्माणी खड़ा, ये पुरानी मजरा, उनके खड़े में से हम पेड़ कटवाए तो उसके ऊपर का झंगा होता, ऊपर का झंगा होता। अब जिसमें क्या नाम, इन्होंने कहा जी 10,000 रुपया दो तो मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। पांडे जी ने कि मैं इसको बंद कर दूंगा, हमने इसके लिए RGB करी, भाई ऐसा ना करे, क्यों करे, तो 1,500 जो है ले ले। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो इसे बंद करूँगा, 10,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। और वार्निश लगा रखा है, दादागिरी दिखा रहा, कह लेगा मैं ले लूँगा, मैं जंगलाती हूँ। हमने कहा भाई ऐसा ना करे, RGU करे तेरे लिए, मान जा, मानना नहीं। कहने लगा ट्रालियों को हमारी बंद कर रखी है, बहादुराबाद डिग्गी में ट्राली खड़ी है, भट्टाचार्य बहुत तकड़ा कर रहा है, पहले से करता आ रहा है, कई बार इसे लोगों ने इकट्ठे हुए इसे मारधार भी करी इस पर, तो लोगों ने प्यार से इसे छुटा दिया। अब ये नहीं छोड़े, ये यहाँ रहना नहीं चाहिए। हरिद्वार क्षेत्र एक हमारा है, एक पाक जगह ऐसी जहाँ है जैसे कलिया शरीफ है, धर्म की जगह हो गई, एक हमारे तीर्थ बड़ा हरिद्वार शरीफ हो गई, हरिद्वार भी तीर्थ की जगह हो गई। एक आदमी इतना गंद फैला रहा है तो इसको गंद को यहाँ हरिद्वार क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए। ये सब चीज़ों को बदनाम कर रहा है, इसमें जंगलात भी, DFO साहब भी हैं, चीफ साहब भी हैं, तो सबको एक धर्म इतना पैसा खा रहा है बीच में ले लेके, एक बुग्गी पकड़ ले रेते की, किसी को एक 4-10 लेके 50,000 ले ले, गुंडागर्दी कर किस अकेले ले आदमी ने, तो इसे यहाँ हरिद्वार से इसे भेजा जाए कहीं बाहर और, इसे यहाँ रखा ना जा, ये चोर है, चोर का यहाँ काम नहीं है। ऐसा एक प्रकरण संज्ञान में आया है
और शिकायतकर्ता ने आके यहाँ पर रिपोर्ट भी दी है, तो उसके क्रम में हमने एक जांच बिठाई है, 3 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट मांगी है। जो भी उसमें सत्यता होगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ऑडियो में कौन है कर्मचारी? प्राइम ऑफिस से अभी हमने जिसकी शिकायत हुई है उनसे और शिकायतकर्ता दोनों को ही बुलाया गया, तो दोनों ने ही आरोपों को डिनाई किया है। तो इसमें एक निष्पक्ष जांच की नितांत आवश्यकता है, तो उस कड़ी में हमने जो वन क्षेत्र अधिकारी हरिद्वार हैं उनको जांच दी है, और जैसे ही इसमें जांच रिपोर्ट आएगी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट के कई न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि कुछ को पदोन्नति भी मिली है। रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी की गई। ट्रांसफर सूची के अनुसार परिवार न्यायाधीश देहरादून अनिज कुमार संघल का ट्रांसफर किया गया और सत्र न्यायाधीश टिहरी गढ़वाल के पद पर भी किया गया है। पौड़ी में श्रीनगर रोडवेज बस डिपो को इन दिनों शिफ्ट कर दिया गया। अब रोडवेज की बसों का संचालन श्रीनगर एरआईटी के पास भक्तियाना से किया जा रहा है। रोडवेज के सारे कर्मी यहीं से अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। अनुमान है कि 1 साल तक रोडवेज बस डिपो यहीं से संचालित होगा। फिलहाल सिर्फ देहरादून सेवा की बस ही ऋषिकेश श्रीनगर अड्डे से संचालित की जा रही है। बता दें कि श्रीनगर पुराने बस डिपो में बहुउद्देशीय पार्किंग का काम चल रहा है। इसके नींव को खोदने का कार्य भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहां पर शिफ्टिंग की गई है। जो रोडवेज बस अड्डा पुराना बस अड्डा जो जहाँ था वहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें कि शहर में पार्किंग ना होने के कारण उस जगह में अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और उसके ऊपर जो है बस अड्डा और ऑफिस बनेगा, वर्कशॉप भी बनेगी हमें वहाँ पे। जी, तो इस कारण से आप भक्तियाना? हाँ, इस कारण जो है यहाँ पे भी रोडवेज की जगह है ये, और यहाँ पे फिलहाल आहिस्ता ही बस अड्डा बना है। नैनीताल के मल्लीताल गोपाला सदन में एक युवक का शव मिला है, जिसकी मौत गोली लगने से हुई है। उसने खुद को गोली मारी है या उसकी हत्या की गई, ये अभी साफ नहीं हो पाया। शव विजिलेंस विभाग देहरादून में सेवारत अनिल पांडे के घर के बाहर से बरामद हुआ है। वह मृतक का नाम सौरभ पांडे बताया जा रहा है। ये युवक कौन है, कहाँ से आया, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। मंगलौर में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही हाईवे पर बड़े हादसे को दावत दे रही है। दिल्ली हरिद्वार NH58 हाईवे पर बना पुल किसी बड़ी दुर्घटना की राह देख रहा है। गंग नहर पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। रोजाना हजारों की संख्या में हल्के और भारी वाहन इसी पुल से गुजरते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पुल के बीच का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। मंगलोर में गंग नहर के ऊपर बने पुल में गड्ढा हो गया है, जो कि हादसों को दावत दे रहा है। इस वक्त हम मंगलोर में गंग नहर के ऊपर जो बना पुल है वहीं खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और इसके नीचे गंग नहर बह रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूसरी ओर जो है गंग नहर यहाँ बह रही है, इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 यहीं से गुजर रहा है और हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन यहाँ से गुजरते हैं और काफ़ी संख्या में वाहन यहाँ से गुजरते हैं। हादसे लगातार यहाँ हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए अकील अहमद, मंगलोर। भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लोग बाग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लोग आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत गहरा गड्ढा हो रहा है, बैरिकेड लगा देते हैं, कई बार मोटरसाइकिल टकरा के बैरिकेड और वो दोनों चीज़ गिर जाती हैं, लेकिन विभाग की कोई नज़र नहीं है उस पर। सोच रहे हैं कि बड़ा हादसा होने से पहले पुल ठीक हो जाए। का जो पुल है ये क्षतिग्रस्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूट गया है। इसमें ऐसा लगता है हमें कि विभाग जब ध्यान देगा, जब इसमें कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई कई बार हादसा होते होते बच चुका है और काफ़ी गहरा गड्ढा हो चुका है उसमें। हम मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, कई बार हम गिर चुके हैं उसमें, इसलिए विभाग की आँखें ही नहीं खुल रही है कि भाई क्या बात, इसे सही करा दें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।